थाने सरकार न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उल्लासनगर वासियों के ऊपर यूजर टैक्स बढ़ाया गया, यानी के उल्लासनगर शहर वासी के ऊपर कर वृद्धि की गई। आपको हम बता रहे हैं कि उल्लासनगर महानगर पालिका के टैक्स डिपार्टमेंट के मुख्य अधिकारी युवराज बदाने से हमने आज बात की। हमने उनसे पूछा कि उल्लासनगर शहरवासी के ऊपर यूजर टैक्स क्यों बढ़ाया गया, तो उन्होंने हमें क्या जवाब दिया। और हमने यह भी पूछा कि हाल ही में उल्लासनगर शहरवासी के ऊपर जीआईएस मैपिंग की जो तलवार लटक रही है, जिसके आधार पर आगे चलकर उल्लासनगर वासियों की टैक्स में और वृद्धि की जाने वाली है और उसके ऊपर यूजर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, यह क्या मामला है? शहर की जनता को आप कहां ढकेल रहे हो? शहर में ना ही पानी की सुविधा है, शहर में ना ही कचरा उठाया जा रहा है, शहर में हर जगह गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। उसके बाद महानगर पालिका अपनी टैक्स में वृद्धि करते आ रही है, करते आ रही है। शहर की जनता के लोग क्योंकि चुप करके बैठे हैं, वो उन्होंने कभी महानगर पालिका का विरोध करना सीखा ही नहीं। वह लोग केवल अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं। उनको शहर के लोगों के बारे में महानगर पालिका क्या टैक्स बढ़ाती है, क्यों बढ़ाती है, उन पर वो विचार कभी नहीं करते। इसके लिए हमारे शहर की ये हालत है कि आज महानगर पालिका टैक्स पर टैक्स बढ़ाई जा रही है, मगर हमारे उल्लासनगर शहर में उन टैक्स बदले जो महानगर पालिका को सुविधा हमें देनी चाहिए वो कोई सुविधा नहीं है। आइए हम बात करते हैं टैक्स डिपार्टमेंट के मुख्य अधिकारी युवराज बदाने से। हमने काफी सवाल किए युवराज बदाने से शहर के विषय में, क्या कहते हैं युवराज बदाने जी? हमारे साथ बने रहिए थाने सरकार न्यूज। बदाने साहब, ये उल्लासनगर शहर के लोगों के ऊपर जो यूजर टैक्स और घर घर में और दुकानों में जो टैक्स बढ़ोतरी की गई है, उसका मुख्य कारण और ये महासभा में कब आया था और उसको पास कब किया गया? देखिए, आपके चैनल के माध्यम के द्वारा मैं उल्लासनगर शहर के जनता को प्रशासन की जो बाजू है और जो इसकी फैक्ट है मैं बताना चाहता हूँ। माननीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, इन्होंने 2 अक्टूबर 2014 में भारत स्वच्छ अभियान मिशन की शुरुआत की है। उस भारत स्वच्छ अभियान मिशन के द्वारा हर राज्य को, हर स्टेट को उन्होंने स्वच्छता मिशन प्रतियोगिता में सभी ने पार्टिसिपेशन किया। उसी तहत हर शहर में, हर गांव में, हर ज़िले में, हर तालुके में, हर ग्राम में, ग्राम पंचायत तक ये स्वच्छता मिशन जारी था, सभी को पता है। इसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया, कानून बनाया और यूजर टैक्स, उसको इन मराठी बोलेंगे या हिंदी बोलेंगे उपयोगकर्ता कर लागू किया गया, उसका कानून में रूपांतर हुआ है। महाराष्ट्र शासन ने महाराष्ट्र महानगर पालिका के सेक्शन 450 के ए के तहत उनको पूरा अधिकार है। उस अधिकार के तहत ऑर्डिनेंस निकाला गया है, अध्यादेश निकाला गया है। जब अध्यादेश निकलता है वो कानून होता है, उसका कानून के अंदर समायोजन होता है। उसके तहत 19 दिसंबर 2018 को अध्यादेश जारी किया, उसमें स्पष्ट और क्लियर लिखा गया है 15 दिसंबर 2018 से ये जो यूजर टैक्स है, उपयोगकर्ता कर, ये लागू करना है हर ULB में, जो नगर पालिका हुए, महानगर पालिका हुए, वो अर्बन बॉडीज में और लोकल में भी, ग्रामीण में भी वो अपने अलग एक्ट में दर्ज किए, जो जिला परिषद एक्ट है। उसी तहत फिर यहाँ पे निमरकर सर के पीरियड में, उसके पहले एक्ट बनने से पहले आया था, तभी महासभा ने रिजेक्ट कर दिया था, महासभा में विषय आया था। मगर इस बार जब ऑर्डिनेंस निकल गया, कानून बन गया, तो कानून की इम्प्लीमेंटेशन की जानकारी हमारे जो वर्ष 2019-20 के अंदाज पत्रक के अंदर वो पूरा समायोजन किया है। निवासी जो व्यक्ति है, व्यापार है, उसको 50 रुपया, दुकान है, शॉप है, उसको 75 रुपया, उसमें जो गोडाउन है उसको 100 रुपीज, जो होटल है, होटल जो एक मीडियम लेवल के, उसको 125 रुपया पर मंथ, और जो 50 खाट के नीचे, कॉट के नीचे हॉस्पिटल है, उसको 150 रुपया प्रतिमाह। इस तरीके का उपयोगकर्ता कर लागू किया गया है, वो कानून बन गया है और कानून की ये प्रशासन अमल बयानी कर रहा है और उसकी जानकारी माननीय स्थायी समिति को और माननीय महासभा को बजट द्वारा पूरी दी गई है और उन्होंने यूनानिमसली ये सब पास किया है। सर, उल्लासनगर शहर में रेसिडेंस कमर्शियल में हो गया है, कमर्शियल उस रेसिडेंशियल में हो गया है, तो ये आप कैसे नियुक्ति कर पाएंगे कि ये कमर्शियल है, ये रेसिडेंस है, ये गोदाम? हमारे महानगर पालिका का जो मालमत्ता कर विभाग है, इसके अंदर जो मेडिकल्स है, जो प्रॉपर्टीज है,
इसकी पूरी वर्गीकरण टाइप्स यहाँ पे क्लियर कट नोंदनीकृत है, जो आज के डेट में रेसिडेंशियल है, और रेसिडेंशियल कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टी है जो कमर्शियल है लेकिन उसका रेसिडेंशियल है, वो कमर्शियल लागू नहीं किया गया, उसका सर्वे अभी हो रहा है। आपने देखा है कि अभी अभी आप लोगों ने, मतलब महानगर पालिका ने ही, महासभा ने और स्टैंडिंग कमेटी, महासभा ने सॉरी स्टैंडिंग कमेटी ने जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा सर्वे के लिए एक अभिकर्ता नियुक्त किया है, और उस अभिकर्ता के द्वारा सभी शहर में इसका सर्वेक्षण का काम चालू है। सर, ये जो अगला देश आया था वो जो 2018 15 दिसंबर से लोगों के ऊपर लागू होने वाली है कि ये मार्च के बाद लागू होने वाली है? लागू हो गई है, अभी हमने बिल जनरेट कर दी है, और उसका लेकिन जो पिछला दो तीन महीने का जो कालावधि है 105 दिनों का, उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। अच्छा, जिन लोगों ने मार्च में हाल ही में टैक्स भरी है उनमें इंक्लूड होके नहीं आई? नहीं, इसमें अभी जो बिल जनरेट हुए हैं, अभी फिलहाल दो दिन हुआ बिल जनरेट करके, उसमें तरतूत अभी पूरा उसका समायोजन किया है। अभी उसमें यूजर टैक्स जो है, उपयोगकर्ता कर, उसका समायोजन किया है, और वो इस साल का जो आर्थिक वर्ष है 2019-20 उसके जो बिल्स है उसमें वो समायोजन किया गया है। सर, ये बताइए कि जिस तरह उल्लासनगर में हाल ही में आप लोगों ने जीएस मैपिंग भी लागू की स्थायी समिति में, उसके बाद ये टैक्स में जो अगला देश ला के उसमें जो हमारे को कर वृद्धि करनी थी वो भी जरूरी थी, जीएस मैपिंग भी का भी शासन निर्णय है वो भी लागू करना है, आपको नहीं लग सकता कि एक साथ ऐसे कर वृद्धि करने से शहर की गरीब जनता के ऊपर इतना बोझा डाल रहे हैं? एक बाजू आप लोगों ने जींस वाश बंदी की, दूसरी जगह प्लास्टिक बंदी की, उसके बाद काफी उद्योग शहर के बंद हो गए, और ताबड़तोड़ शहर की जनता के ऊपर इतनी सारी टैक्स लगा देंगे तो शहर की जनता कहाँ जाएगी? देखिए, आप जो बोल रहे हैं फिलहाल इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये कानूनन महाराष्ट्र शासन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, महाराष्ट्र शासन, इन्होंने ऑलरेडी कानून बनता है, जब कानून बनता है तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना प्रशासन का फर्ज है, और हम कार्य कानून का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। धन्यवाद बताने साहब।